बुलबुल सहरा के लकब से मशहूर मारूफ गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े कई बरस बीत गए, लेकिन दिहाइयों तक दुनिया मौसीकी पर राज करने वाली गुलकारा के गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेशमा दरअसल एक खानाबदोश खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी पैदाइश सन 1947 में राजस्थान के शहर बीकानेर में हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका घराना हिंदुस्तान से हिजरत करके कराची आ गया। उस वक्त रेशमा की उम्र सिर्फ एक माह थी। इनके घराने का शुमार उन लोगों में होता था जिन्होंने हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। इब्तदाई उम्र से ही खानाबदोश होने के सबब इनका घराना एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता रहता था। रेशमा ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा सिंध में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ सूफियाना कलाम पढ़ते हुए गुजारा। रिवायती तालीम से महरूम रेशमा मुनफरिद आवाज़ की मालिक थी, जिसको इनकी रूह की खूबसूरती ने और भी मुतासिरकुन बना दिया था। 12 बरस की उम्र में एक रोज़ जब वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हो लाल मेरी पत रखियो भला गाते हुए धमाल डाल रही थी, तो इनकी आवाज़ की गहराई ने रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी को इस हद तक मुतासिर किया कि उन्होंने फौरन इन्हें रेडियो पाकिस्तान के लिए गाने की ऑफर कर दी, जिसको खुशी खुशी रेशमा ने कबूल कर लिया। क्लासिक की मौसीकी की तालीम से नाआशना रेशमा जब सुर बखेरती तो सुनने वाले सर धुनने पर मजबूर हो जाते। रेडियो पाकिस्तान से रेशमा पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब आई और फिर इन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। देखते ही देखते रेशमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन लोक गुलकारा बन गई। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी मुतअद्दिद गीत गाए। इंडिया के मारूफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष गई ने इन्हें अपनी फिल्म हीरो के लिए गाना गाने की ऑफर की। इस फिल्म का गाना चार दिना दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई अपने वक्त का सुपरहिट नगमा साबित हुआ और रेशमा रातों रात पाकिस्तानी गुलकारा से आलमी सतह की गुलकारा बन गई। सर 1983 की इस भारतीय फिल्म को आज भी रेशमा के इसी गाने की वजह से ही जाना जाता है। लंबी जुदाई के बारे में रेशमा का यह कहना था कि इनको स्टूडियो जाते हुए बहुत खौफ आता था, इसलिए इन्होंने सुभाष गई से कहा कि वो स्टूडियो जाकर गाना रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। इसी वजह से यह गाना दिलीप कुमार के घर पर रिकॉर्ड किया गया। इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि इनको हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आई के गुजराल से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो गर्ज़ हर दौर के सरबराहान मुमलकत ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि कीमती तहाइफ से भी नवाजा। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी हुकाम ने इन्हें भारत की शहरियत देने की भी ऑफर की, जिन्हें रेशमा ने कबूल करने से इनकार कर दिया। रेशमा ने कई अशरों तक लोक मौसीकी में अपनी आवाज़ का जादू जगाया और उर्दू के अलावा पश्तो, सिंधी और राजस्थानी जुबानों में गीत गाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रेशमा को इनकी खिदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। फिर इस अजीम गुलकारा का बुरा वक्त शुरू हुआ और रेशमा गले के कैंसर में मुब्तला हो गए। कैंसर में मुब्तला होने के बाद जब डॉक्टर्स ने इन्हें गाने से मना किया तो रेशमा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रेशमा का कहना था कि गाना इनकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो अपनी आवाज़ को गाने के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी। बिलाखिर 3 नवंबर सन 2013 को लाहौर के एक निजी अस्पताल में कैंसर के आर्जे के सबब रेशमा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए, मगर इनकी आवाज़ आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोलती है और इनकी याद दिलाती है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।